सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। एचपी का प्रिंटर में अगर ऐसा प्रॉब्लम आने पर आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले हम टेस्ट प्रिंट देके आपको ट्रायल डेमो दिखाते हैं। ये भी अपन टेस्ट प्रिंट दिया है, तो आपके यहाँ शो होता है कि इनकम्प्लीट ब्लैंक कार्ट्रिज, इसका मतलब जो कार्ट्रिज में इश्यू है उसके लिए अपना प्रिंटर रेडी नहीं होता है। तो सबसे पहले अपने को चेक करना, देखो रेड लाइट हो रहे हैं, तो आपको कार्ट्रिज निकालना है। और जो कार्ट्रिज निकालने के उसके बाद जो इसका चिप दिख रहे हैं, जो चिप है वो आपको चिप को हटाना पड़ेगा। इसका मतलब चिप को आप रिमूव करना होगा, तभी आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा। क्या रहते हैं प्रिंटर कार्ट्रिज, अगर चिप और कार्ट्रिज मिसिंग में रहता है तो ये चिप मिसमैच होने से वो एरर आता है, इनकम्प्लीट कार्ट्रिज। ये अपन चिप अभी निकाल लिया है, चिप को अपने जो साइड में रखते हैं लैपटॉप के ऊपर, और अभी जो कार्ट्रिज अपन लगाते हैं प्रिंटर में। वही कार्ट्रिज अपन लगाया है और अभी अपन प्रिंट दे दें, और फिर मशीन को आपका जो प्रिंटर रहेगा उसको आपको ऑन ऑफ करना है, तभी जो एरर है वो रिमूव हो पाएगा। क्योंकि नहीं तो पुराना डेटा बेसिस पे वो लोग प्रिंटर को ऐसा लगेगा कि नहीं पुराना कार्ट्रिज है, जो पहले मैसेज आ रहे थे उसको अपन क्लोज करते हैं और प्रिंटर को रिसेट करते हैं। उसके बाद जो प्रिंट दिया वो आ गया प्रिंट के साथ में। ये वापस आपके सामने दोबारा टेस्ट प्रिंट देते हैं। राइट क्लिक किया, प्रिंटर को पार्टी सॉर्ट किया स्प्रिंट। ये जो कार्ट्रिज चिप का एरर है कि 100% कार्ट्रिज लो है वो, और ये प्रिंट भी आ गया। तो किसी भी प्रिंटर में इनकम्प्लीट कार्ट्रिज ब्लैंक आ रहे तो इसका मतलब जो चिप मिसिंग का एरर रहता है। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो कर दो एक लाइक। मिलते हैं सही नए नए प्रिंटर कंप्यूटर और कार्ट्रिज के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।